हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सेफ्टी ऑफिसर जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू का दौर शुरू हो चुका है और उम्मीद है आप सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों के मेल में जे मिले, जिसमें आप लोगों ने सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया था और तमाम जानकारियों के लिए आपने मुझे लिखा था। इस बीच में मैं बहुत समय पहले से इधर आपको वीडियो नहीं दे पाया, आपके साथ नहीं आ पाया। कुछ वजह था जिसके वजह से वर्क भी था, ड्यूटी भी अपनी पूरी करनी थी, तमाम तरह की बातें थी। फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। एक नई चीज़ जो ये सेफ्टी ऑफिसर जॉब इंटरव्यू, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। यदि आपने सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया हो या इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा भी कंप्लीट कर लिया हो, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और उस जॉब इंटरव्यू में हमसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के बारे में हम तो श्योर होते हैं कि हम तो बिल्कुल श्योर थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को भी देखते हुए आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे। और दूसरी बात, जो सबसे जो सब्जेक्ट हम लोगों का होगा आज का, वो होगा नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स। हैजर्ड का ही एक पार्ट्स है, इट्स ए पार्ट्स ऑफ हैजर्ड। और इस हैजर्ड्स में जैसे तमाम तरह के हैजर्ड्स तो आप पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसमें अक्सर जो क्लाइंट होता है या इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला होता है आपसे, वो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स में कैंडिडेट को ले जा करके गोल गोल घुमाता है और कहीं ना कहीं उसमें कैंडिडेट फंस जाते हैं। तो आज हम उन तमाम चीज़ों को की बारीकियों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे नॉन मैकेनिकल हैजर्ड के ऊपर। सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें नॉन मैकेनिकल हैजर्ड से क्वेश्चंस बहुत अधिक संख्या में या बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ द मशीनरी से जो रिलेटेड हैं, हैजर्ड्स रिलेटेड हैं, जो 9 से 10 पॉइंट्स होते हैं, उन 9 से 10 पॉइंट्स को मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली मैकेनिकल हैजर्ड्स आपने सुना, फिर केमिकल हैजर्ड आपने सुना, फिजिकल हैजर्ड आपने सुना, उसमें सबसे अलग एक हैजर्ड्स आता है जो हमारे और आपके जीवन से हमेशा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप चाहे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, या काम करने के लिए तैयारी में है या जाने की तैयारी में है, तो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड से आपका सामना जरूर होगा। नॉन मैकेनिकल हैजर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो एक एक चीज़ को बहुत ही बखूबी से आप देखें, समझें, और फिर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर आपके साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप इंटरव्यू में फेल होते हो। ठीक है, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स के बारे में पहले क्रम में अगर हम चलते हैं, तो सबसे पहला जो बात आती है हमारे सामने वो आती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप्स ऑफ नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ द मशीनरी, या मैं बोल सकता हूँ, या आप इंटरव्यू के दौरान बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक नॉन मैकेनिकल हैजर्ड के बारे में बताइए या उसका नाम बताइए, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यह एक नॉन मैकेनिकल हैजर्ड है। बड़ी अजीब विडंबना होती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो तमाम तरह के हैजर्ड्स तो आप पढ़ के जाते हैं, डिप्लोमा में भी आपने ट्रेनिंग किया, सब में ट्रेनिंग किया, लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हैजर्ड है उसको हम किस के अंदर कैटेगराइज करें, किस ग्रुप के अंदर रखें, क्या यह फिजिकल हैजर्ड है, क्या यह केमिकल हैजर्ड है, क्या ये बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है, तो इसमें से हमें एक वर्ड यूज करना होता है, नहीं, यह नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स है। क्या है? नॉन मैकेनिकल। लास्ट में मैं पूरा एक कॉन्क्लूजन दूंगा, इसलिए एक एक पॉइंट करके मैं बात कर रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा इसका आंसर कैसे होता है। फिर आगे चलते हैं, अगर दूसरे की बात करें नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में, तो सबसे ज़्यादा जो और भी होता है वो उससे नॉइज़ अर्थात आवाज़।
ये आवाज़ जो होता है, बहुत ज़्यादा जो शोर होते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड जो होते हैं, वो हमारे नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं। क्या है सेकेंड पॉइंट, याद रखिएगा, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक इमेज के द्वारा आपको बताने की कोशिश किया है कि नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स, पहला इलेक्ट्रिकल, दूसरा सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, एंड दूसरा जो होता है नॉइज होता है। अगर आगे इसी कदम में हम बात करें तो आप देखेंगे कि नॉइज अर्थात आवाज़, आवाज़ एक ऐसा हैजर्ड है, आवाज़ एक ऐसा क्या कहते हैं, एक ऐसा हैजर्ड है जो कभी कभी तो जानलेवा साबित हो सकता है। ये माइग्रेन का कारण बन सकता है, यह हमारे कई तरह के बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए यह एक क्या होता है, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड होते हुए भी यह काफ़ी डेंजरस होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि नॉइज क्या है, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर आते हैं तो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है वाइब्रेशन। जब आप डिप्लोमा कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे, उस समय आपका एक सब्जेक्ट आया था वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं याद आया कुछ, वाइब्रेशन को पहला होता है फुल बॉडी वाइब्रेशन, या ये पार्ट वाइब्रेशन, या हैंड वाइब्रेशन, या छोट अलग अलग अंगों के वाइब्रेशंस। तो दो ही कैटेगराइज आप बोल सकते हैं इसको, फुल बॉडी वाइब्रेशन एंड हैंड वाइब्रेशंस, ठीक है। तो ये दोनों ही हैजर्ड्स कार्य करने वालों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होते हैं, और वाइब्रेशन को नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स के अंतर्गत लिया जाता है। नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स के अंतर्गत इसे कैटेगराइज किया गया है। या आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जो है एक्सरसाइज का एक इक्विपमेंट्स है जो पूरे बॉडी को मूव कर रहा है, पूरे बॉडी को हिला रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बॉडी की आधा हिस्सा जो मूव कर रहा है, आधा हिस्सा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। तो इसे हम पार्ट वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, या इसे पूरी बॉडी नहीं हो रही है। अगर यही चीज़ पूरी बॉडी में पूरा वाइब्रेट करने लगे, अर्थात हमारी बॉडी किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते समय, किसी मशीन के साथ काम करते समय पूरी बॉडी हमारी मूव करती है, हिलती रहती है, उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। और वाइब्रेशन को आप बोलते हैं फुल बॉडी वाइब्रेशन, हैंड वाइब्रेशन, या पार्ट वाइब्रेशन के नाम से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स में। आगे की अगर हम बात करें तो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स आता है, और इससे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और इससे पीछा कहीं नहीं छूटने वाला हमारा। इसे हम बोलते हैं हैजर्डस सबस्टेंस, पदार्थ, वे पदार्थ जो हार्मफुल होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, जैसे एक्सप्लोसिव हुआ, फ्लेमेबल हुआ, टॉक्सिक हुआ, ये सारे क्या है, ये कैसे सबस्टेंस हैं, एक ऐसा सबस्टेंस है जो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। यदि इसके संपर्क में हम आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना भी होती है। तो यह किस तरह का हैजर्ड है, तो आपको बोलना है ये जो है एक नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स है। यह क्या है, यह एक नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स है। और ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ मशीनरी के अंतर्गत। अगर हम आगे इसी क्रम में चलें तो फिर हमारे पास आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, आयोनिक, इसमें जो मुख्य चीज़ें आती हैं हमारे पास, वो आती हैं अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन भी नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स में आता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि आयोनाइजिंग रेडिएशन किस तरह का हैजर्ड्स है, या हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करें। तो सीधा सा इसके लिए आपको वर्ड यूज करना है नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स। क्या है, इट इज़ ए टाइप्स ऑफ नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स, राइट। ओके, और अगर आप कुछ और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप अल्फा बीटा गामा एक एग्जांपल के रूप में आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए शॉर्ट में चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने कोर्स करने के दौरान सारा रीड किया है, सारा लर्न किया है, आपने प्रोजेक्ट किया है, तो ज़रूरी है कि अब आप इंटरव्यू के मद्देनज़र, इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए हम आगे का काम करें।
इसी कदम में हम आगे चलते हैं तो एक और ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, अत्यधिक गर्मी। जब अत्यधिक गर्मी भी क्या है, अत्यधिक गर्मी को क्या बोलेंगे आप? तो अत्यधिक गर्मी को हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ मशीनरी। अगर इसको भी हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, अत्यधिक गर्मी, यानी कोई भी मौसम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, अगर आवश्यकता से अधिक टेम्परेचर होता है तो वह एक हैजर्ड्स के रूप में कार्य करता है जो किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है वह नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे बखूबी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं, एक आता है हमारे पास इर्गोनॉमिक्स। जब कार्य और मनुष्य के साथ एक आपसी संबंध होता है और फिर आप वर्क करते रहते हैं, उस का मिला जुला रूप जो होता है वह इर्गोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे आपने इस इमेज में देखा कि एक व्यक्ति जो है वेट उठाने की कोशिश कर रहा है और उसमें अलग अलग इसके पोजीशन को दिखाया गया है, तो इर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उन्हें उसे अगर हमें किसी हैजर्ड के रूप में कैटेगराइज करना हो तो हम उसे नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद से नेक्स्ट इसी क्रम में हम अगर बात करें तो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स के लिए हम स्लिप, ट्रिप एंड फॉल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लिप, ट्रिप एंड फॉल किस तरह का हैजर्ड्स है, तो दो जगह बात आएगी, आप यहाँ कन्फ्यूजन होगा, फिजिकल हैजर्ड्स और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह एक नॉन मैकेनिकल अगर इसमें बात आती है नॉन मैकेनिकल हैजर्ड ऑफ मशीनरी की, तो स्लिप, ट्रिप एंड फॉल हम बोल सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यदि नॉर्मल बात करना हो तो आप इसे और भी रूपों में और भी नाम ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर इसकी बात आती है नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ द मशीनरी, तो स्लिप, ट्रिप, फॉल ये क्या होगा यहाँ के लिए? ये नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स होगा। ठीक है, स्लिप अर्थात आप देख रहे हैं स्लिप, फिसल जाना, ट्रिप करना, ठीक है, गिरना, तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं जो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स के से रिलेटेड होती हैं और उसके अंतर्गत आती हैं। आगे अगर हम बात करें तो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आता है, स्पेशली ये क्वेश्चन तो फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो तैयारी कर रहा है उससे तो डेफिनेटली पूछा जाता है, फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर एंड एक्सप्लोजन जो हैजर्ड्स है इसको आप क्या बोलेंगे, किस तरीके से आप बोलते हैं? तो फायर एंड एक्सप्लोजन इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ मशीनरी, तो आप इससे भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 10 पॉइंट्स देखा, 10 पॉइंट्स वो क्या क्या थे नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ मशीनरी के लिए। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पहला क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा नॉइज, वाइब्रेशन, हैजर्ड सबस्टेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एर्गोनोमिक्स, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, फायर एंड एक्सप्लोजन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ मशीनरी में, आप कोई तीन पॉइंट्स बताइए इसके लिए, थ्री पॉइंट्स आप बताइए, तो आप सीधा सा इसमें से कोई भी तीन पॉइंट्स आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पाँच पॉइंट्स बताइए, छः पॉइंट बताइए, 10 पॉइंट्स बताइए, तो ये जो होते हैं पॉइंट्स आपके होते हैं, आप इंटरव्यू के दौरान इन पॉइंट्स को बता सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगा आपको लास्ट में, कि बहुत से जगह जब इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, क्वेश्चन हमारे सही होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी उसके बाद से कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं सामने जिसमें ना तो इंटरव्यू लेने वाला श्योर होता है और ना इंटरव्यू देने वाला श्योर होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। एवरीडे कुछ न कुछ नए चेंजेज हो रहे हैं और हर एक चीज़ पे खरा उतर पाना भी संभव नहीं है। यदि हम उस कार्य के दौरान यदि हम लगभग 70%, 50% भी सही जाते हैं तो कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए हम काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, हमें जॉब मिल सकता है। तो यह एक तरह का कंपटीशन है, तो बहुत से लोग हैं जहाँ पे सही आंसर होने के बाद भी
कुछ न कुछ जरूर जवाब देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, यह बिल्कुल गलत है, किसी भी चीज़ को सेफ्टी की फील्ड में हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि यह गलत है या यह सही है। तो सबके अपने अपने पहलू होते हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। तो आप अपने इंटरव्यू को ध्यान में रख करके और उस पॉइंट्स को रख करके कि पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जवाब देते हैं तो शायद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सेफ्टी ऑफिसर जॉब इंटरव्यू के सीरीज़ में हम बात कर रहे थे आप नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स ऑफ द मशीनरी। तो इसमें जो 10 पॉइंट्स हमारे आते हैं वह क्रम से इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के हम लोगों ने जो बात किया, नॉइज वाइब्रेशन हैजर्ड्स ऑफ स्टेंस आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एर्गोनोमिक स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, फायर एंड एक्सप्लोजन, इनको ध्यान में रखिएगा। और इनको ध्यान में रखने के बाद आप इंटरव्यू दीजिए, डेफिनेटली ऊपर वाले ने चाहा तो आप सफल होंगे और आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। तब तक के लिए आप सबसे हम विदा चाहते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे इंटरव्यू के नए टिप्स के साथ, नए तरीकों के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।